हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। यात्रा हो गया हमारा, काशी गया, प्रयाग, अयोध्या, चित्रकूट, विंध्याचल। एक्चुअली बहुत पहले प्रॉमिस कर रखा था, 5 साल पहले एक ग्रुप को, फॉर्मलाइज नहीं हो रहा था, तो लास्ट में मैंने वो डेट्स देके उनका यात्रा करवा दिया। हरे कृष्णा। ये हम सब प्रार्थना करते हैं और हमारे श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के पहले अध्याय में अभी जो विदुर जी चर्चा कर रहे हैं, विदुर जी का संवाद हो रहा है उद्धव जी से और वो हालचाल पूछ रहे हैं सभी भक्तों का, उस हम लोग श्रृंखला में हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नाम्ने नमस्ते। सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रथम स्कंद के तृतीय स्कंद के प्रथम अध्याय में है और हम लोग ये संवाद विदुर जी कर रहे हैं उद्धव जी से मिलने के बाद, जब वो पूरा भ्रमण करके आए और तब तक यहाँ युद्ध खत्म हो गया था, युधिष्ठिर महाराज पुनर्स्थापित हो गए थे, उसके बाद की चर्चा हो रही है। श्रीराज जी को आपको म्यूट करना पड़ेगा, आपका ऑन है। तो हम लोग 35वें श्लोक में जाते हैं, मुझे याद नहीं है 35वां हुआ था नहीं हुआ था, लेकिन 34 तक हो गया था यार, तो 35 हम लोग लेते हैं 35वां और अध्ययन करते हैं। अपिस्वी धन्ये च जीत अपिस्वी धन्ये च निजात्म दैवम अनन्य वृत्या समनु असमनुव्रताये हृदीक सत्यात्मज चारुदेशण गदादयः स्वस्ति चरन्ति सौम्या। ओ सुपर वन अदर्स सच एज ऋदिक चारुदेशन गद एंड सन ऑफ सत्यभामा हु एक्सेप्ट लॉर्ड श्री कृष्णा एज द सोल ऑफ द सेल्फ दस फॉलो द पाथ विदाउट डिविएशन आर दे वेल। पूछ रहे हैं कि ये जो सत्यभामा का पुत्र है, चारुदेशन है, गदा है, गद है, ये सब जो है ये क्या ठीक ठाक है। बेसिकली वो भगवान के भक्तों के परिवारों के बारे में पूछ रहे हैं। 36वां अपि सदो, अच्छा इसका हिंदी रह गया था, माफ करना, नीचे लाओ नीचे लाओ। हे भद्र पुरुष, अन्य लोग यथा ऋदिक चारुदेशण गद तथा सत्यभामा का पुत्र जो श्री कृष्ण को अपनी आत्मा के रूप में मानते हैं और बिना किसी विचलन के उनके मार्ग का अनुगमन करते हैं, ठीक से तो हैं, मतलब क्या वो ठीक ठाक हैं, ये पूछ रहे हैं। 36 अपि स्वदोर्भ्याम विजयाच्युताभ्याम धर्मेण धर्मः परिपाति सेतुम् दुर्योधनो अतप्यत यत् सभायां साम्राज्य लक्ष्म्या विजयानुवृत्या। Also, let me inquire whether Maharaj Yudhishthir is now maintaining the kingdom according to religious principles and with respect for the path of religion. Formerly, Duryodhana was burning with envy because Yudhishthir was being protected by the arms of Krishna and Arjuna as if they were his own arms. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं, अब मैं पूछना चाहूंगा कि महाराज युधिष्ठिर धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार तथा धर्मपथ के प्रति सम्मान सहित राज्य का पालन पोषण कर तो रहे हैं। पहले तो दुर्योधन ईर्ष्या से जलता रहता था,
क्योंकि युधिष्ठिर कृष्ण तथा अर्जुन रूपी दो बाहुओं के द्वारा रक्षित रहते थे जैसे वे उनकी अपनी ही भुजाएं हों। तो यहाँ युधिष्ठिर महाराज के बारे में पूछ रहे हैं कि क्या वो ठीक ठाक हैं, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज को, क्योंकि वो दावेदार थे मतलब क्वालिफाइड भी थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ दावा कर रहे हैं, वो योग्य भी थे और उनका क्वालिफिकेशन था कि वो सम्राट बन सके, पूरे विश्व को संभाल सके, और क्योंकि जन्म से भी वो बड़े थे दुर्योधन से। लेकिन समाव धृतराष्ट्र ने कैप्चर कर लिया और मैं अपने बेटे को दूंगा बोल के खुद ही बैठे थे, लेकिन इसमें लड़वा दिया सभी भाइयों को। तो एक लालची आदमी और स्वार्थी आदमी सबको लड़वाता है, अगर कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो समझो कि कुछ ना कुछ स्वार्थ या लोभ कहीं ना कहीं अटकता है। जैसे बड़े बड़े देशों में प्रभात बोलते थे कि हम यूनाइटेड नेशंस तो बना रहे हैं, लेकिन ये बड़े बड़े देश आपस में कोई सुलह ही नहीं करते, क्योंकि इनको लोभ ने ग्रसित कर लिया है, स्वार्थ ने ग्रसित कर लिया है। जब ये किसी और देश का भला सोचेंगे तो स्वाभाविक है वो देश स्वाभाविक रूप से आपका भला सोचेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। जो संकीर्ण विचारधारा के नेता होते हैं तो फिर वो अपना सोचते हैं और अपना सोचते सोचते वो नुकसान ज्यादा कर लेते हैं। तो यहाँ पे दुर्योधन जो है वो एक गलती कर दिया, उसको सिंपल था युधिष्ठिर को सम्राट बना देता तो स्वाभाविक है दुर्योधन को कुछ अच्छा स्थान या पद खुद युधिष्ठिर दे देते, लेकिन न उसको क्या कहते हैं न माया मिली न राम न उसका धर्म का साथ देना हुआ, न अधर्म की शक्ति के बलबूते पे कुछ कर पाया। तो यहाँ पे जो धृतराष्ट्र है इसके जाल में सभी फंस गए। और यहाँ पे विदुर जी पूछ रहे हैं कि देखो ये जो हुआ तो क्या आप युधिष्ठिर जिस काम के लिए युद्ध किए थे, यानी धर्म की स्थापना करने के लिए वो युद्ध किए थे, क्या वो उसी लाइंस में अब चला रहे हैं? कि ऐसा तो नहीं कि सत्ता आने पर विचलित हो गए हैं, मन में दुर्भाव आ गया है? तो ये पूछताछ कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि देखो ये जो कृष्ण है और अर्जुन है, इन्होंने ये तो उनके बाहु है ना, इन्होंने युधिष्ठिर को बचा के रखा है। तो युधिष्ठिर महाराज को तकलीफ देने के लिए, उनको अबैंडन करने के लिए, उनको मॉरली मेंटली हैरेस करने के लिए क्या क्या तरीके नहीं अपनाएंगे? हाँ, उनको पांचाली के स्वयंवर में नहीं जाने का परमिशन था एज ए किंग, उनको क्या बोलते उसको वनवास करवा दिया कि जाओ, इतना बड़ा उनका जो बनाया प्रॉपर्टी था वो जुआ में जीत लिया। तो ऑब्वियसली कई बार लोगों को लगता है कि युधिष्ठिर महाराज ने जुआ खेला, इसमें पत्नी को भी इन्वॉल्व किया। एक्चुअली प्रॉब्लम ये था कि युधिष्ठिर तभी अपने चाचा को यानी जो बड़े हैं उनका अनादर नहीं करना चाहते, और अनादर नहीं करने के कारण और वो तभी कुछ भी हो तो कार्यकारी सम्राट थे, तो कार्यकारी सम्राट होने के कारण वो उनको ओपोज नहीं कर पाए और वो उचित नहीं समझे, और तो फिर जुआ खेलने को एग्री किया। हालांकि उन्होंने बोला कि ये जो है वो अधर्म है, खुद बोला उन्होंने, लेकिन क्योंकि आपकी आज्ञा है, आप चाहते हैं, आपकी इच्छा है, तो केवल आपका मान रखने के लिए, हालांकि ये कोई वो नहीं है, तो उन्होंने वो किया। और जुआ में क्या रहते हैं वो रूल्स रहते हैं, तो हिसाब से खेलना पड़ता है, जैसा फिर क्रिकेट में भी रहता है कि लास्ट ओवर में आपको मालूम है कि आपको मतलब 50 रन चाहिए, तो आपको मालूम है 36 रन से ज्यादा बनेगा नहीं, लेकिन फिर भी गेम खत्म करना पड़ता है, आप भाग के नहीं जा सकते, बैट्समैन नहीं बोल सकता इनको बनना निकाय को एक ओवर वेस्ट करेंगे जाके सोता हूँ, नहीं, खेल के जाना पड़ता है, उसको फेयर प्ले अवार्ड बोलते हैं। यहाँ युद्ध में वो जानते थे कि ये कुछ तो गड़बड़ किया है शकुन, मैं हर बार हार रहा हूँ तो क्या किया जाए, तो वो फिर डिसाइड करते हैं लास्ट में खेल के जाना पड़ेगा, तो हार जाते तो वो समझ जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा सेंसिटिव बात है, लोग इसको समझ नहीं पाते, धर्म का ही पार्ट है वो, क्योंकि वो राजधर्म निभा रहे थे ना, वो करना पड़ेगा, वो क्षत्रिय थे। अब उसके बाद यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज को रक्षा करने के लिए हमेशा सदैव उनकी कठिनाइयों में दुर्वासा मुनि को भेज दिया दुर्योधन ने कि जाइए वहां पे आपके लिए इंतजार हो रहा है, उनको मालूम था जब मेरे भाइयों के पास कुछ नहीं और द्रौपदी ने खा लिया था, तो जानबूझ के भेजा था कि दुर्वासा मुनि श्राप देंगे। आज देखा तो श्राप लगने से पहले भगवान ने खा के ढकार करवा दिया सभी सभी ब्रह्मांड में सबको, तो बचा लिया। तो कृष्ण और अर्जुन जो है ये दोनों ही ढाल बन के थे धर्म के राजा धर्मराज युधिष्ठिर के लिए। फिर पूछ रहे क्या वो सब सही है, ओके चल रहा है काम। 37वां
किम्वा कृतागेषु अघम् अत्यमर्षि भीमो हि वद्रीर्घतरतमं व्यमुष्ट्वमुञ्चत् यस्याङ्घ्रिपातं रणभूनसेः मार्गं गदायाश्चरतो विचित्रम्। प्लीज टेल मी whether the unconquerable Bhima, who is like a cobra, has released his long-cherished anger upon the sinners. The field of battle could not tolerate even the wonderful playing of his club when he stepped on the path. क्या विशेले सर्पतुल्य एवं अजय भीम ने पापियों पर अपना दीर्घकालीन क्रोध बाहर निकाल दिया है? गदा चालन के उनके कौशल को रणभूमि भी सहन नहीं कर सकती। जब वह उस पथ पर चल पड़ता है पड़ता था तो यहाँ कहा गया है कि वो भीम के बारे में पूछ रहे, क्या हमारे भीम ठीक हैं? क्योंकि जब वो रणभूमि में गदा लेके चलते थे तो लोग सह नहीं पाते थे, क्योंकि वो भीम का आवाज भी जोर था, वाह गदा लेके सर। ऐसा वर्णन आता है जब द्रौपदी का स्वयंवर था तो वहां पे जब द्रौपदी ने अर्जुन को वरमाला डाला तो शिशुपाल और कर्ण वो युद्ध करने उतर गए। बड़ा स्टोरी है, मैंने बहुत बार बताया भी। तो उन्होंने क्या किया, भीम इधर से उतरे और ऐसा पीछे से बड़े बड़े पेड़ उखाड़े उन्होंने और शाल्य वाल्य को उठा उठा के जमीन पे पटका था। लोग देखते रहे कौन है गुरुकुल का बच्चा जो पेड़ का पेड़ उखाड़ के फेंक रहा है। ये लेवल था भीम का। और आपको कीचक का स्टोरी मालूम होगा, तो विराट राजा का जो साले साहब थे ये बड़े ही कीचक नाम था इसका। तो ये क्या कर रहा था, द्रौपदी और ये लोग अज्ञातवास में थे, तो द्रौपदी जो है दासी के रूप में थी और युधिष्ठिर जो है राजा के एडवाइजर के रूप में थे, भीम जो है खाना बनाने के किचन में थे। वो जानते थे कि और मुझे कोई खिला नहीं सकता, मैं खुद ही खाना बनाऊंगा तो खा पाऊंगा। अर्जुन जो है वो उत्तरा को ब्रह्म नल्ला बन के डांस सिखाते थे, नकुल सहदेव कुछ ना कुछ रोल लिए थे। इतना होने के बाद, क्योंकि द्रौपदी सांवली थी लेकिन दिखने में बहुत सुंदर थी, तो स्वाभाविक है कीचक के मन में दुर्भाव आया और वो उसको बुलाए, दासी तुम यहीं रहो, मैं तुमको अपना रानी बना दूंगा। तो वो बोले नहीं, मेरे स्वामी हैं, मेरे 5 स्वामी हैं। और वो उनको नया अलग अलग नाम दिया था, नाम अभी आपको ऑनलाइन खोजना पड़ेगा, ऐसे जय जय पर से कुछ था, तो 5 के अलग नाम थे। बोले अरे वो लोग तो गंधर्व लोकों में रहते हैं ना, यहाँ मैं रहूंगा, ऐसा करके वो बोलने लगे। तो मना कर दी, तो उसने जबरदस्ती किया इसे, क्योंकि वो क्षत्रियानी थी, इसको लगा दासी है। उसने जो हाथ मारो ढोंड़ करके दूर से दूर गिर गया वो कीचक। वो समझ में गई मुझे गिरा दिया, तो फिर वो रानी की वजह कंप्लेंट कर दी, आपका भाई ऐसा कर रहे हैं। बोले नहीं तुम यही रहो। फिर भी उसने वापिस का पीछा कर रहा था, ये जाके इसने युधिष्ठिर को बताया। युधिष्ठिर जो है बोला कंट्रोल कंट्रोल शांति रखो। तो धर्म का काम है शांति रखवाना। तो भीम जो है, भीम इन्होंने क्या कहते उसको, इनको जाके बताया द्रौपदी ने। द्रौपदी जब जाके भीम को बताया तो उन्होंने उनको कहा कि एक काम करो, आज शाम को, भीम एक तो गुस्सा हो गया था लेकिन वो इमीडिएटली उठ के बोले काम करो, द्रौपदी को तुम सज धज के जाओ, ठीक है, और उसको बोलो कि मैं सज धज के आ रही हूँ, तुम उस डांस क्लास में आओ। डांस का एक क्लास होता था, एक एरिया था, हॉल था बड़ा, नाट्य हॉल, उधर आओ, हम लोग डांस करेंगे, हम लोग उधर मिलान करेंगे। तो ये जाके बोल दी कि मैं तुम्हें मिलूंगी लेकिन वहां पे, यहाँ सबके सामने कैसे मिलूंगी। अब ये मूर्ख चला गया, आदमी को मूर्ख बनाना 2 मिनट का काम है, बस एक स्वीट सी लड़की मीठा बोल दे, बस खत्म, आदमी तो फ्लैट। तो वो चला गया, और आपने देखा होगा मोहिनी मूर्ति के केस में भी, जब अमृत बट रहा था, असुरों के हाथ में था अमृत, पी सकते थे, लेकिन मोहिनी मूर्ति ने वादा किया मैं सब तुम सबको इक्वली बांटूंगी और मेरे हाथों से आप पियोगे। हाँ, तो भले भले ही चक्कर फंस गए हैं, आज तक नहीं निकल पाते हैं, जो जीव इससे निकल गया मुक्त हो जाता है, बस यही फंसता है आदमी। वो 5 मिलीमीटर का जो चमड़ा है ना, उसके देख रेख में और उसके शब्द वाणी के ध्वनियों में फंस जाते हैं, पूरा फंस जाते। तो वो गया, बोले जाओ तुम डांस में आने। और इधर क्या करते हैं, उधर जाके भीम आता है, बोलते सुनो तुम कोने में खड़े रहो,
और सिर्फ देखो, बोलना बीच में कुछ नहीं। और भीम क्या करता है, थोड़ा बाल बड़े छोड़ देता है पीछे से, और पीछे बाल छोड़ देता है, और वहां पे पीछे से सब गेटअप दिखाया, और इधर से कुछ रहता नहीं उसका। तो उसको लगता है आ हा 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 मुझे द्रौपदी दूर से कीचकाता है। अरे उसका कुछ सारिंद्री है, कुछ तो नाम रहता है उसका, द्रौपदी का दासी का नाम, तो दासी रूप में एक नाम रहता है। वो जाता है वहां, और जो ही उसको आलिंगन देता दिखता है, तो यहाँ कोई और सांड मुस्तंडा टाइप कोई है बैठा हुआ। आप भीम को इतना गुस्सा आता है, उसका सर पटकता है, ऐसा लगे दबाता है, गाली वाली दिया होगा, दे नहीं सकते हम लाइव क्लास में, अब पूरा दबाता है, चटनी करता है, पटक पटक के जैसा हड्डी को भी आप पाउडर बना दो अंदर में, और आपके शरीर का बॉल बना के, जो बॉल होता है ना फुटबॉल, वैसा बना दिया था, इतना मारा था इसको। आ द्रौपदी के भी बाल खुले थे, द्रौपदी एकदम खुश हो गई, एकदम या एकदम, वो भी चिल्ला, क्षत्रियणी थी ना, उसको खुश आनंद हो रहा था, वो खुश होके चिल्ला रही थी या एकदम वो हो गई थी। तो बाद में उसका फुटबॉल बनाया, और भीम बोले अब मैं जा रहा हूँ, लेकिन तू चुपचाप कुछ कर मत, यहाँ से निकल जल्दी। द्रौपदी को बताया उन्होंने कि जाओ यहाँ, निकलो निकलो चलो, लेकिन द्रौपदी को रहा नहीं गया, उसको आनंद इतना मजा आ रहा था। किसी का पति अगर पीछे स्ट्रांग हो ना, तो अगर कोई माता जी आपसे जीतली बात कर रही है, तो समझ लेना या तो उसका भाई डॉन है, या तो उसका पति उसके प्रोटेक्शन के लिए जान देने को तैयार है, या तो उसका बेटा पावरफुल पोजीशन में है, या तो वो समाज के लिए प्रतिष्ठित परिवार की स्त्री है। अगर वो आवाज चढ़ा के बात कर रही है, सिंपल, आपको किसी का जात पात पूछने की जरूरत नहीं, जैसे बात कर रहे समझ आ जाता है, किसी को आश्रय नहीं है, पति नहीं है, और समाज में बहुत आश्रित है, लोगों के मर्सी पे उसको जीना पड़ रहा है, तो कभी भी वो आवाज, गुस्सा भी होगी ना, गुस्सा आएगा उसको, पर बोल नहीं पाएगी, तब वो आवाज फिर भी ऐसा दबा दबा सा रहेगा, हाँ 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 ठीक है ठीक है। तो कभी भी ऐसे स्त्री को तकलीफ नहीं देना चाहिए, उसको अबला समझ के। और तो इस प्रकार से हमारे बच्चे लॉकर से प्लेट खोल रहे पटक पटक के आवाज आपको नहीं आएगा, मुझे आएगा। तो उन्होंने देखा तो वो वही थी, बोला मारेगा मेरे को, मारेगा मुझे, मुझे बोलेगा, हाथ लगाता मुझे, एकदम वो थी। अब भीम तो चले गए, जा रहे थे, तो तब तक कीचक का जो मार खाने का आवाज था वो आ रहा था, तो उसके भाई एक्चुअली पीछे थे, वो इसके लिए तैयार थे, उसके 100 भाई थे, उसके भी बहुत सारे भाई थे, वो ये तैयार थे कि जो ही द्रौपदी हाँ बोलेगी, आज ग्रैंड ग्रैंड बाजा के साथ शादी करेंगे। तो लोग आवाज सुने कि भाई डांस क्लास में कुछ और ही आवाज आ रहा था, कत्थक वत्थक तो कुछ आ नहीं रहा था क्योंकि अगर कोई प्रेम वेम होता तो उधर वो अलग आवाज आता। Once more you open the door and you hear in my heart and my heart will go on. लेकिन इधर और ही कुछ आवाज आ रहा था, जो भी माँ बहन की इधर उधर की दुनिया की जितनी गालियां है वो दे दे के आवाज कुछ और ही वजन भरा रहा था। उसके भाई भागते भागते आए, देखा तो हमारे भाई का फुटबॉल बना दिए, और उधर बाल छोल के और छोड़ के खड़ी थी, ऐसे हंस रही थी ऐसा हंस रही थी द्रौपदी, महाभारत में वर्णन आता है। तो उसको उठा के ले गए, बोले नहीं अब हमारे भाई को नहीं जला जाएगा, तुझे भी सती रूप में जलाया जाएगा, हमारा भाई तेरे से शादी करना चाहता था ना, तो उसको बांध दिया, अब तुझे जलाया जाएगा। तो उसने वापिस आवाज दिया, वो आवाज केवल खीन का जो कोड वर्ड था ऐसा कुछ, तो वो आवाज दिया, तो वो आवाज दिया, तो वो बाहर आया, फिर वापिस आया, बोला अरे ये गई नहीं, और फिर गड़बड़ कर दी। फिर वो गई और उधर जाके उसने फिर सबको, भीम ने ठोक दिया, फिर भीम ने सबको फुटबॉल बना दिया, और वो चला गया। चला गया तो ये बोला अब द्रौपदी अब यहाँ वहां मत कर, अब जा सीधा, तो क्योंकि उसको बांधा बांधा था ना, तो उसका साड़ी वाड़ी जैसा मतलब ऐसा ड्रेस्टअप नहीं थी, मतलब जैसे बाल छूट गया है, बिंदी यहाँ हो गया है, कभी मतलब जो भी इधर उधर का जो पल्लू विल्लू है वो इधर उधर गिरा हुआ है, मतलब भूतनी कैसे हो सकती है, भूतनी जैसा मंजुलिका देखते ना, आमी मंजुलिका, वैसा वो मंजुलिका टाइप हो गई थी। तो गई, और जब वो जा रही थी तो वहां पे जो राजा था विराट, उसको न्यूज आ गया था, विराट उसकी पत्नी टेंशन में थी कि ये कौन है और इसके कौन पति है कि हमारे साले साहब ने हाथ लगाए तो फोड़ दिया। तो आई जब आ रही थी ना, तो एकदम दोनों ऐसे खड़े हो गए, राजा खड़े हो गए जैसे कि ये रानी है, एकदम दास की तरह खड़े हो गए,
वो तो वो भीम जो जिसके गदा से सब डरते हैं, जिसके चलने मात्र से थरथराता है, दुर्योधन कांपता था, तो बोले वो भीम कैसा है, जिसको डरते थे, अनबेरेबल था, कहाँ है, कैसा है। 38 कश्चित् शोघा रथयूथपानां गांडीवधन्वो परताति रास्ते अलक्षितो यच्छरकूटगूढो माया किरातो गिरीशस्तुतोषा। प्लीज टेल मी वेदर अर्जुन हुज बाउ बेयर्स द नेम गांडीव एंड हु इज ऑलवेज फेमस अमंग्स द चैरियट वॉरियर्स फॉर वैंक्विशिंग हिज एनिमीज इज डूइंग वेल। ही वंस सेटिस्फाइड लॉर्ड शिवा बाय कवरिंग हिम विद एरोज व्हेन शिवा केम एज अनआइडेंटिफाइड फॉल्स हंटर। कृपया मुझे बताएं कि अर्जुन जिसके धनुष का नाम गांडीव है और जो अपने शत्रुओं का विनाश करने में रथियों में सदैव विख्यात है, ठीक से तो है, एक बार उसने न पहचाने जाने वाले छद्म शिकारी के रूप में आए हुए शिवजी को बाणों की बौछार करके उन्हें तुष्ट किया। नीचे करो थोड़ा सा स्क्रीन, तुष्ट किया था। चलो तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वो अर्जुन कैसे हैं जिनके बौछारों से, बाणों के बौछारों से सब जो है गिर जाते हैं, और उनको स्वयं पशुपति अस्त्र जो है शिवजी ने दिया जिन्होंने स्वर्ग में उनका परीक्षा लिया था, वो कैसे हैं उनके बारे में पूछ रहे हैं। एक बार हुआ था, शिव जी ने परीक्षा लिया था अर्जुन का स्वर्ग में, स्वर्ग गए थे तो दोनों के बीच में वॉर वो हुआ था बाणों का, तो अर्जुन हार नहीं रहे थे, जीत भी नहीं रहे थे, शिव जी शिकारी के रूप में थे, वो भी ना हार रहे थे ना जीत रहे थे। तो लास्ट में अर्जुन ने एक शिवलिंग बनाया मट्टी का, उधर जल डाला और पुष्प डाला, वो सीधा जाके शिव जी पे गिरा, वो शिकारी पे गिरा, तो समझ गए रहे महादेव आप क्यों परीक्षा ले रहे हैं। देखो भक्त है ना, वो 2400 घंटा एकदम क्लियर रहता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ भगवत कृपा से कर रहा हूँ, इसलिए उसके अंदर कोई अहंकार नहीं है, तो हाथ जोड़ ले। ठीक है यहाँ पे तो 39 यमा वो तिस्त्वत अनयोपथायः पार्थैर्वतौ पक्ष्मभिरक्षणीव रेमात उदाय मृगे स्वरिक्थम् परा सुपारणा वज्रिक वक्त्रा। आर द ट्विन ब्रदर्स हु आर प्रोटेक्टेड बाय देयर ब्रदर्स डूइंग वेल। नकुल सहदेव की बात हो रही है, वो क्या अपने भाइयों से सुरक्षित हैं, अभी भाइयों के द्वारा सुरक्षित किए गए हैं, दे आर टेकन केयर जस्ट एज द आई इज ऑलवेज प्रोटेक्टेड बाय द आईलिड, दे आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड बाय सन्स ऑफ प्रथा who snatched back their rightful kingdom from the hands of their enemy Duryodhan, just as Garuda snatched nectar from the mouth of Indra, the thunderbolt carrier। तो यहाँ पे हिंदी पढ़ लेते हैं। क्या अपने भाइयों के संरक्षण में रहे रह रहे जुड़वा भाई कुशल पूर्वक है, जिस तरह आंख पलक द्वारा सदैव सुरक्षित रहती है, उसी तरह वे प्रथा पुत्रों द्वारा सुरक्षित हैं जिन्होंने अपने शत्रु दुर्योधन के हाथों में अपना न्याय सम्मत न्याय संगत साम्राज्य उसी तरह छीन लिया है जिस तरह गरुड़ ने, ऊपर करी, दुर्योधन के हाथों से अपना गरुड़ ने वज्रधारी इंद्र के मुख से अमृत छीन लिया था। तो यहाँ पे आता है क्योंकि माद्री के दो पुत्र थे नकुल और सहदेव, और पृथा का यानी कुंती माता के 3 पुत्र थे, और तीनों बड़े थे, तो कुंती माता बोली मैं सती हो जाती हूँ पांडु के जाने के बाद, तो माद्री बोली नहीं क्योंकि मैं तुम्हारे तीनों बच्चों को एक जैसे नहीं संभाल पाऊंगी, मेरे बच्चों को मैं पार्शलिटी करूंगी, मुझे इतना भरोसा है आप मेरे बच्चों के साथ पार्शलिटी नहीं करोगे, रादर आप उनको ज्यादा केयर करोगे, इसलिए मैं जाती हूँ आप रहने। तो दोनों में बड़े टसल के बाद ये निर्णय हुआ, और कुंती ने सबसे पहले कुछ भी आता था तो नकुल सहदेव, फिर जाके वो अपने तीनों बच्चों का सोचती। और ये तीनों भाई स्वभावतः जो माँ का गुण है वो बच्चों में था, वो 2400 घंटा जैसे इधर लिखा है ना आग का पलक होता है ना उसके अंदर कचरा नहीं जाता है, यहाँ के पलक की तरह बचा के रखा था, आग का पलक बचाता है वैसे बचा के रखा, तो उनके लिए बचा के रखा था, बेटा उसको ढक दो, कुछ और लगे उसको ढक दो।
तो आग का पलक जैसे बचाता है वैसे, और जो उनका असली हक था जो दुर्योधन लेके बैठा हुआ था उसे दुर्योधन ने छीन लिया। क्या उदाहरण आता है, जैसे गरुड़ जी ने इंद्र का मुंह से अमृत छीन लिया। ये कौन सा एपिसोड है जिधर छीन लिया है मुझे नहीं मालूम है, इधर लिखा है किंग ऑफ हेवन इंद्र द किंग ऑफ हेवन कैरी द थंडरबोल्ट इन हिज हैंड एंड इज वेरी स्ट्रॉन्ग येट गरुड़ द कैरियर ऑफ लॉर्ड विष्णु वाज एबल टू स्नैच नेक्टर फ्रॉम हिज माउथ। ऐसा कोई प्रसंग है जहां पे गरुड़ जी ने वो खींच लिया अमृत, वो कहां का प्रसंग है वो मुझे सच में नहीं मालूम है। इधर एक मिनट कमेंट्री देखता हूँ मैं। 39 आचार्य ने कहीं लिखा है तो कुछ मिल जाए। 39 है दुर्योधन लगे टू गरुड़ इधर भी नहीं है आचार्य को कमेंट्री नहीं है, पूछता हूँ मैं किधर किसी स्कॉलर से पूछना पड़ेगा। तो इस प्रकार से दुर्योधन से भी छीन के ले लिया ये यहाँ पे बताया है। 40वां अहो प्रथापि प्रियते अर्भकार्थे राजर्षिवर्येण विनापितेन यस्तु एकवीरो धीरतो अधीरतो विजिग्ये विजिग्ये धनुर्द्वितीयः ककुभश्चतुश्रः। ओ माय लॉर्ड इज प्रथा स्टिल लिविंग? She lived only for the sake of her fearless, fatherless children. Otherwise, it was impossible for her to live without King Pandu, who was greatest commander and who alone conquered the four directions simply with the help of second bow. So, यहाँ पे कहते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं, हे स्वामी क्या प्रथा अब भी जीवित है? प्रथा यानी कुंती, वह अब विपृतृहीन बालकों के निमित्त ही जीवित रही, अन्यथा राजा पांडु के बिना उसका जीवित रह पाना असंभव था, जो कि महानतम सेना नायक थे और जिन्होंने अकेले ही अपने दूसरे धनुष के बल पर चारों दिशाओं जीत ली थी। तो पांडु जो है उनका यह वो दिखाया कि बहुत पावरफुल थे, लेकिन प्रथा यानी कुंती जो है प्रथा का बेटा पार्थ, तो वो जो है प्रथा पुत्र जो है प्रथा जो है क्या वो ठीक है? क्योंकि इसके जाने के बाद पांडु के जाने के बाद उसके जीवन में केवल समस्या ही समस्या है। सोचो एक पत्नी को जिसका पति चला जाए कितना कष्ट है, फिर 5 बच्चे हैं कितना कष्ट है, फिर उन लोगों को संभालना है जो आपका हक का चीज है यानी आपका घर जायदाद उसका कुछ भी नहीं आपको मिलना है। आजकल होता है कई बार माताएं जिनका पति से कुछ इशू हो जाता है फिर अलग लड़ाई हो जाता है, अलग रहने लगते हैं, अलग रहने लगते हैं तो माँ के ऊपर सारा लोड आ जाता है और आदमी इतना से इनसेंसिटिव हो जाता है, भोगी हो जाता है कि वो किसी और औरत के चक्कर में वो एक औरत को बर्बाद कर देगा, बहुत दुख कष्ट का बात। तो वैसे लेकिन यहाँ पे तो उल्टा हो गया है, तो वर्णाश्रम कलेक्ट कर्म छूटता नहीं, एज इट इज माता को उस सिस्टम से जाना पड़ा। लेकिन क्या होता है ना एडवर्सिटी में ओरिजिनल हीरा बाहर आता है, चमक तो तब पता चलेगा ना अंधेरा है, हीरे की ताकत तब पता चलेगी, बाहर पूरा अंधेरा था और कुंती माता हीरा जैसे चमक गई। और सोचो भगवान के लिए कितना प्रेम था, भगवान के लिए प्रार्थनाएं करते हो, भगवान कभी भी माता के बात ठुकराते नहीं थे। हाँ तो ये बहुत पावरफुल है, ठीक है। तो ये यहाँ पे दिया गया है, हम 41वां श्लोक कल लेंगे ना। आपका कोई क्वेश्चन है तो एक हाथ कोई क्वेश्चन ले लेंगे। आज थोड़ा सा मैं बहुत दिनों बाद आए हुए हैं, कुछ जन्माष्टमी का मीटिंग भी एक छोटा है इंजीनियरिंग कॉलेज कर रहे हैं, तो उसके लिए एक प्रभु जी केरला से आए हैं, उन्होंने मिशन बना रखा है कि 16,108 गुरु क्यों बनाएंगे मेरे लिए, तो आए हुए तो उनका भी प्रेजेंटेशन देखना। चलिए यस तनय जी, एक दो क्वेश्चन ही ले पाऊंगा, बाकी मैं कल ले लूंगा, आज थोड़ा सा बिजी हूँ, एक दो क्वेश्चन ले लेंगे। तनय जी और हरिंदर माता दो ही क्वेश्चन लेते हैं, बाकी लोग आप लोग कल पूछ लीजिए। यस प्रणाम प्रभु। प्रभु जी यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं जे सत्यलोक में जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं होते, नहीं होता। एक बार सत्यलोक में कोई चला गया ना तो वो सीधा ब्रह्मा जी के साथ निकलता है बाहर, सीधा वैकुंठ जाता है। सत्यलोक तक पहुंचना है तो उसके लिए हजारों जन्म लेने पड़ते, लेकिन एक बार सत्यलोक पहुंच गया तो वो सीधा ब्रह्मांड के विनाश के बाद ही एंड होता, इसलिए नॉर्मल जो टेम्पररी मृत्यु वो सब नहीं होता।
ठीक है।